बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज एंजाइम्स, एंजाइम्स प्लस सबस्ट्रेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। टॉपिक में स्टार्ट में सबस्ट्रेट के बारे में और फिर इसके फैक्टर्स हम स्टडी करेंगे। एंजाइम के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको जो है उस पर अफेक्ट करते हैं, वो हमने फैक्टर स्टडी करना है। सबस्ट्रेट के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स, द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। कोई भी सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है वो सब्सट्रेट कहला सकता है। वो सब्सटेंस क्योंकि लिविंग बॉडी से रिलेट करता है, ये सब्सटेंस किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं, जानदारों के अंदर, लिविंग बॉडीज़ के अंदर होता है। तो इसलिए ये जो सब्सट्रेट है ये मोस्टली प्रोटीन इन नेचर होते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स। तो ये सारी क्या हैं? सबस्ट्रेट्स हैं। ये आप लोग, ये वो सबस्ट्रेट होते हैं जो आप डाइट से हासिल करते हो, मींस आप प्रोटीन्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, लिपिड आपकी डाइट का हिस्सा होता है, जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर डाइजेशन होती है वो उनका रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होते हैं। मीन्स अगर स्टमक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जो है हम डाइट से इनटेक करते हैं और स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी डाइट होती है वो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, जैसे हम लोग खुराक खाते हैं तो खाने के बाद जो हमारा सलाइवा मुंह के अंदर बनता है, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है अमाइलेज। तो अमाइलेज जो एंजाइम है इसने क्या करना होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करता है, फिर खुराक जाती है आपके मुंह से जो है स्टमक के अंदर जाती है। यानी कि जब जैसे खुराक स्टमक के अंदर जाती है तो स्टमक में एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है पेप्सिन। अगर ये एंजाइम पेप्सिन मौजूद ना हो तो स्टमक के अंदर जो आप खुराक खाते हो और उसके अंदर अगर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन उसका मेजर हिस्सा है, तो जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकती। प्रॉपरली प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए अमाइलेज होते हैं, इस तरह जैसे कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स होती है, सुक्रोज होते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं सुक्रेज एंजाइम। इसके अलावा जो और ग्लैक्टोज होते हैं तो ग्लैक्टेज हैं, लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा लिपिड जो है, लिपिड की जो डाइजेशन करता है वो एंजाइम होता है लाइपेज। और जो अमाइनो एसिड हैं ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन से ही बनते हैं, इनके पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन है, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबस्ट्रेट वो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, और सबस्ट्रेट में एग्जांपल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमाइनो एसिड। एक और बात है कि एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक इन साइड सबस्ट्रेट होता है। एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। मीन्स के अगर पेप्सिन है तो वो सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर सकता है, वो लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के जो ग्रुप्स हैं उनको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को नहीं कर सकता। और जो लाइपेज है वो सिर्फ लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है, प्रोटीन को नहीं। और ना ही लिपिड पेप्सिन के ज़रिए डाइजेस्ट होगा, ना ही अमाइलेज के लिए। तो इसीलिए हर जो सबस्ट्रेट होता है उसके लिए जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी एंजाइम की जब हम नेमिंग करते हैं, उसको नेम देते हैं, तो उसकी सबस्ट्रेट के लास्ट में
सबस्ट्रेट के लास्ट में एज का इजाफा कर देते हैं, जैसे कि लिपिड्स के लिए लाइपेज है, इसीलिए सुक्रोज जो होती है शुगर, इसके लिए सुक्रेज एंजाइम है। गलैक्टोज को गलैक्टेज एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं। अमाइलोज शुगर जो है उसके लिए जो एंजाइम है वो होता है अमाइलेज। तो हर एंजाइम अपनी सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक इन नेचर होता है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो होते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, इसके अलावा पीएच है और टेम्परेचर है। ये मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी एंजाइम की जो रिएक्शन रेट है उसको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है एंजाइम की कंसंट्रेशन। आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, अब वो रिएक्शन उसको प्रोसीड करने के लिए हमें एंजाइम की मकदार चाहिए, अच्छी खासी एंजाइम की मकदार चाहिए। आपके पास सबस्ट्रेट हैं, कोई भी आपने अपने जैसे प्रोटीन की डाइजेशन हो गई है, लिपिड की डाइजेशन है, तो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स आपने इंटेक किए हैं, तो उनके रिएक्शन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन की जो स्पीड है एंजाइम, क्योंकि जो है कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं, एंजाइम का फंक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करते हैं और रिएक्शन को लिमिटेड टाइम के अंदर कम्प्लीट करवाने में हेल्प आउट करते हैं। तो एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनकी ख़ास जो सबस्ट्रेट है उसके लिए एक ख़ास किस्म के स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होते हैं। जब जैसे ही हम उन एंजाइम की कंसंट्रेशन को इनक्रीज़ करते जाएंगे तो रिएक्शन रेट जो है वो इनक्रीज़ होता जाएगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट, जितना ज़्यादा एंजाइम होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन की शरह ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो एंजाइम की कंसंट्रेशन है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। अब आपको पता है कि एंजाइम जो है उसका एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पर आकर सबस्ट्रेट अटैच होता है, यहीं पर जो है वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। विलफर्ज आपके पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, मैक्सिमम 5 प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं आपके पास, और आपके पास जो एंजाइम है वो एक है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल 5 हैं, एक एंजाइम है। अब एक एंजाइम क्या करेगा कि एक एक मॉलिक्यूल के, और एक एंजाइम की कैपेसिटी क्या कि वो एक मॉलिक्यूल को जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल आएगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, फिर वो मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट अलग हो जाएगी इससे, फिर ये स्पेस इसकी फ्री हो जाएगी, फिर पीछे जो 4 बचते हैं फिर उसमें से एक इधर आकर रिएक्शन करेगा। इस तरह तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगी। इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, एक ही जगह 2 रख दिए। अब रिएक्शन रेट पहले से ज़्यादा बढ़ गया, अब जो एक एंजाइम कम कर रहा था अब वो काम 2 एंजाइम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 3 एंजाइम कर देते हैं इसकी जगह, रिएक्शन रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बढ़ाने से, एंजाइम की मकदार बढ़ाने से। पहले 5 मॉलिक्यूल को एक एंजाइम जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, अब 5 मॉलिक्यूल के लिए 3 एंजाइम कर दिए, रिएक्शन रेट क्या हुआ, इंक्रीज। फिर हमने एक और एंजाइम ऐड कर दिया, रिएक्शन रेट उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर एक और कर दिया, अब क्या कि 5 के 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। सारी सबस्ट्रेट जो है एक एक एक्टिव साइट के अंदर
जो हैं अटैच हो जाती हैं, और अब पीछे सबस्ट्रेट हमारे पास ज़ीरो है। अब अगर हम और एंजाइम ऐड करें भी तो वो हमारे लिए यूजलेस है, क्योंकि हमारे पास जितनी सबस्ट्रेट थी उतने हमारे पास एंजाइम कंप्लीट हो चुके हैं। तो रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा अप टू लिमिटेड, यानी कि अप टू लिमिटेशन, एक ख़ास हद तक जो है रिएक्शन रेट बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप एंजाइम की मिकदार बढ़ाओगे भी सही, तो रिएक्शन रेट पे कोई अफेक्ट नहीं होगा। मींस के एंजाइम की कंसंट्रेशन से रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है, बट अप टू लिमिटेड टाइम। उसके बाद आप एंजाइम बढ़ाते जाओ, क्योंकि आपके पास सबस्ट्रेट ही नहीं होंगे, तमाम एक्टिव साइट फिल हो चुकी होंगी। तो उसके बाद जो है आप जितने भी एंजाइम ऐड करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन रेट। बढ़ाते जाओ एंजाइम, रिएक्शन रेट इंक्रीज होता जाएगा। थोड़ी सी रीडिंग है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट स्पेसिफिक टाइम एट अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इफ़ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज बाई टू फोल्ड इट द रिएक्शन रेट इज डबल। कि अगर आप एंजाइम की जो अमाउंट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रेट डबल होता है, बट अप टू लिमिटेड टाइम। उसके बाद है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एंजाइम आपके पास ज़्यादा है जहाँ पर ये मैंने शो करवाए हुए हैं, आपके पास एंजाइम की मकदार ज़्यादा है लेकिन आपके पास सबस्ट्रेट कम है। बिलफर्ज यहाँ पर जैसे हमने सपोज किया था पाँच मालिक्यूल है, एंजाइम हमारे पास पाँच से ज़्यादा हैं, सात मालिक्यूल हमारे पास, सात यानी कि एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अब हमारे पास सबस्ट्रेट की मकदार कम है, अब जैसे ही हम सबस्ट्रेट की मकदार बढ़ा देते हैं, सात या फिर आठ कर देते हैं मालिक्यूल, तो अब क्या होता है कि सबस्ट्रेट की मकदार से, क्योंकि एंजाइम पहले से हमारे पास ज़्यादा हैं, तो सबस्ट्रेट की मकदार भी बढ़ाने से जो रिएक्शन रेट है वो डबल हो जाता है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइमेटिक रिएक्शंस, के मींस जो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो भी बढ़ जाता है। तीसरी बात है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच दो तरह की होती है, अल्कलाइन पीएच होती है, बेसिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है, और इसके अलावा न्यूट्रल होते हैं, बेसिक, एसिडिक एंड न्यूट्रल। अब जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है वो पीएच जो है उससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर रही होती है। कुछ एंजाइम जो हैं वो बेसिक पीएच पे वर्क करते हैं, कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। अब ऐसे एंजाइम जो बेसिक पीएच पे काम करेंगे, अगर उनको हम इन्वायरमेंट दे दें, बेसिक पीएच वाले एंजाइम को एसिडिक इन्वायरमेंट दे दें, तो वो एंजाइम एसिडिक इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और एसिडिक वाले को हम बेसिक दें तो एसिडिक वाले जो एंजाइम है वो बेसिक इन्वायरमेंट के अंदर, बेसिक पीएच के अंदर जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एंजाइम जो है वो अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। जैसे अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन एंजाइम ये स्टमक के अंदर पाया जाता है, और स्टमक की जो पीएच होती है वो एसिडिक इन नेचर है। अगर यही एंजाइम स्टमक की पीएच या वैसे ही ये एंजाइम अगर हम बेसिक पीएच के अंदर ऐड कर दें तो वहाँ ये एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता, उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय, वो डीनेचर हो जाता है। इसी तरह एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और ये एंजाइम जो है वो पीएच बेसिक पे काम करता है। अगर हम इसको एसिडिक पीएच के अंदर डाल दें तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम एसिडिक पीएच के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंजाइम की जो पीएच होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि एंजाइम जो है, तमाम एंजाइम जो अपने एसिडिक पीएच के अंदर काम करते हैं उनकी अगर पीएच जो है वो उससे कम या ज़्यादा हो जाए तो उनकी एक्टिविटी जो है उस पर भी फ़र्क आ जाता है। तो हर एंजाइम एक ख़ास पीएच पे काम करता है, एसिडिक भी हो या बेसिक हो, उनकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है, उस पीएच को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। उससे अगर आप पीएच बढ़ जाती है या कम हो जाती है, एंजाइम की सबसे पहले एक्टिव साइट जो है वो डीनेचर होती है। पीएच के कम होने या फिर
ज़्यादा होने से सबसे पहले डिनेचरेशन कहाँ आएगी, एक्टिव साइड में, और एक्टिव साइड जो है वो टोटली डिनेचर हो जाएगी, और ये एक्टिव साइड जो है मज़ीद किसी सबस्ट्रेट के साथ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल नहीं रहती। तो पीएच जो है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, लास्ट फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। जैसे एंजाइम जो है ऑप्टिमम पीएच के अंदर काम करते हैं, इसी तरह एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर वर्क करते हैं। अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, एंजाइम डिनेचर हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ एक कर्व यहाँ शो करवाती हूँ मैं आपको टेम्परेचर के लिहाज से, तो जैसे हमने आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ना शुरू हो गई, रिएक्शन रेट भी बढ़ता है, लेकिन अप टू मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इस टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म होती जाएगी। और ये रीज़न इसका क्या है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है कि जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर से क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर वाइब्रेशन। जब वाइब्रेशन मॉलिक्यूल अपने मेन पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेशन करेंगे तो जो इसका एंजाइम का स्ट्रक्चर है ग्लोब्यूलर, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे ही इसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, डिनेचर हो जाता है। तो एंजाइम जो है उसको डिनेचरेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ज़रूरी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो एंजाइम के अंदर डिनेचरेशन पैदा हो जाती है। तो एंजाइम पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एंजाइम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी, बट अप टू सर्टेन लिमिटेशन। इसके बाद जब हम मज़ीद कोई भी एंजाइम की मकदार बढ़ाएंगे तो उस पर रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो एंजाइम आपके पास ज़्यादा है, सबस्ट्रेट आपके पास कम है, तो आप सबस्ट्रेट की मकदार बढ़ाओगे तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी लिमिटेड टाइम है। मज़ीद अगर आप सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो उस पर रिएक्शन पे कोई असर नहीं होता। इसके बाद पीएच था कि पीएच जो है कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, कुछ बेसिक पीएच पे काम करते हैं। जो एंजाइम एसिडिक पीएच पे काम करते हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो बेसिक पे जा करते हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट। अगर हम एसिडिक वाले को बेसिक में डालेंगे तो उसकी जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर डिनेचर हो जाएगा, या बेसिक वाला एंजाइम है जैसे ट्रिप्सिन है उसको हम एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं तो वहाँ पर वो डिनेचर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। तमाम एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमारे अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी की होने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव और डिनेचर हो जाएगा।